क्वेश्चन नंबर 106, द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। इफ ईच ऑफ सेव्स रुपीज 3000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ओके, सो लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रुपीस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि ए की जो मंथली इनकम है वो है एक्स और बी की जो मंथली इनकम है वो है वाई, ठीक है। सो इनकी जो मंथली इनकम का रेशियो कितना है, एक्स रेशियो वाई, वो कितना होगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 5/4, ठीक है। सो टेक इट इक्वेशन फर्स्ट। नाउ देखो, अब जो एक्सपेंडिचर्स का रेशियो गिवन है वो कितना है, 7:5, और इनकी सेविंग कितनी है, 3000 पर मंथ, ठीक है। तो सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 3000, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ए देखो, एक्सपेंडिचर होता है हमेशा इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। सो इनकम है ए की एक्स और सेविंग है कितनी, 3000, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या होगा, y माइनस 3000, ठीक है। और इन एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना गिवन है, इनका अगर रेशियो निकालना है तो वो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 7:5, ठीक है। सो एक इक्वेशन हमें यहां से मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 5 × x − 3000 इक्वल टू 7 × y − 3000, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 5x − 15000 इक्वल टू 7y − 21000, ठीक है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x − 7y इक्वल टू −6000, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट बी हैव, क्या है अपने पास, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू फर्स्ट 5/4, ठीक है, ये अपने पास है। सो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4x/5, ठीक है। इसे हम पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। पुट दिस y इक्वल टू 4x/5 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास, 5x − 7y इक्वल टू −6000। सो 5x − 7 इंटू y की वैल्यू क्या पुट करना है, 4x/5 इक्वल टू −6000, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा, 7 into 4 28x अपॉन 5 इक्वल टू -6000। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 25x माइनस 28x, और इस 5 को एलसीएम लेके काम 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, -30000। ठीक है, तो व्हाट वी गेट, -3x इक्वल टू -30000। सो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, 10000। ठीक है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या था, y इक्वल टू 4x अपॉन 5, तो 4 into 10 10000, ठीक है, अपॉन 5। सो ये कितना हो जाएगा, एट थाउजेंड। सो वाई इक्वल टू 8000। सो हमें क्या मिला कि मंथली इनकम ऑफ ए, जो हमने क्या सपोज की थी एक्स, वो कितना आया, 10000। एंड मंथली इनकम ऑफ बी, जो हमने बाय ली थी, वो कितनी आई, 8000। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर।